रेनबो यूनिवर्सल स्कूल के ग्रीन टीवी में आपका स्वागत है, जिसमें अध्यापन एवं नेतृत्व बच्चों द्वारा किया जाता है। मेरा नाम निषाद रंजीत चौधरी है। मैं राजनीतिक विज्ञान एवं समाज कार्य का प्रोफेशनल एवं नेता हूं। आज से हम भारत के संविधान की जानकारी भारत के सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। आप भी इस जानकारी को शेयर एवं चर्चा करके भारत को विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनाने में अपना योगदान देकर देश प्रेम का काम कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। भारत का संविधान उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समान समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में प्रयोग की गई महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या। हम भारत के लोग भारत को भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। प्रभुत्व संपन्न लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। समाजवादी, समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह से बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। पंथ निरपेक्ष, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई भी धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। लोकतंत्रात्मक, सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। गणराज्य, शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राजा राज खानदान का। न्याय,
नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता, नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। समता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। बंधुता, हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने। भारत का संविधान, उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देश प्रेमियों, पूरा दम लगा दो। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर और चर्चा करके भारत के हर वोटर नागरिक तक पहुंचा दो। जय भारत के लोग, जय भारत, जय भारतीय संविधान, जय भारतीय कानून। आपसे अनुरोध है कि ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब करके रेनबो यूनिवर्सल स्कूल को का सदस्य बने। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।